बरेली में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार पटेल स्मारक कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास पर स्वजातीय मेधावी छात्र सम्मान समारोह और वरिष्ठ नागरिक जनों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए अध्यक्ष एडवोकेट केपी सेन गंगवार ने बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है, लेकिन इस बार 31 अक्टूबर को दीपावली त्योहार के चलते अब इस कार्यक्रम का आयोजन 10 नवंबर को किया जा रहा है। आज आपने प्रेस वार्ता बताइए, क्या उद्देश्य है? पटेल जयंती मनाने का उद्देश्य है, पटेल साहब के व्यक्तित्व के बारे में पता होती है, उनकी उनकी सीख क्या लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, विचार करते हैं। और ये 189वीं पटेल जयंती मनाई जा रही है जो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, लेकिन दीपावली होने के कारण 10 नवंबर 2024 को मनाई जा रही है। इस समारोह में हम जो हमारे माननीय अतिथि आते हैं, राज्यपाल साहब हैं, सांसद साहब हैं, इन सबका स्वागत होता है, और जितने हमारे स्वजातीय मेधावी छात्र हैं, चाहे एस सी बोर्ड है चाहे यूपी बोर्ड है, जिनके अंक जो 80% से अधिक होते हैं, उन सभी बच्चों को हम तब पुरस्कृत करते हैं, मोटो देते हैं उनको, उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं इसलिए, और करीब 150 बच्चों की मार्कशीट हमारे पास आ चुकी है। और ISC बोर्ड और UP बोर्ड के जो हाई स्कूल इंटर के टॉपर हैं दोनों बोर्डों के, तो जितनी मार्कशीट हमारे पास जमा होंगी उसमें जो टॉपर होंगे उन चारों बच्चों को हम 5,000 का प्रोत्साहन राशि देते हैं। ये सजाती है सजाती जी, उनको 5,000 की प्रोत्साहन राशि देते हैं। और इसमें जो हमारे बच्चे नीट में आए हैं और या MBBS के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने, IIT के लिए क्वालिफाई किया है, उन सबको हम लोग मतलब स्मृत चिन्ह और एक प्रशस्त पत्र देते हैं। और इस बार हमारे सुजाती डॉक्टर बंधुओं में से डॉक्टर रतन पाल सिंह 2024 के चुनाव में सचिव पद के लिए चुने गए हैं, और मिस्टर PT गंगवार साहब उपाध्यक्ष पद चुने गए हैं, इनका भी सम्मान किया जाएगा।